हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की आर्टिस्ट में। मैं विक्की हर बार की तरह एक नया स्केच जो कि आप सीख सकते हैं बड़े आसानी ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आँख को बनाएं, आँख को ड्रॉ कर लें और उसके बाद हल्के हल्के पेंसिल से नोज़ का भाग उभारते हैं ताकि इसमें लाइनर नहीं शो करे, क्योंकि ये शेडिंग उतना हल्का होता है ताकि ये आप देख सकते हैं। स्केच बनाने में थोड़े से समय तो लगेंगे, लेकिन इसमें आप समय देना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप समय देंगे ये इतना अच्छा उभार आएगा। तो ये इसी प्रकार से हम दोहराएंगे, दूसरी आईब्रो को भी हम इसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप हल्के से रबर की सहायता से हल्की लाइन आप मार सकते हैं साइड की ओर, ताकि ये साइड वाला भाग दिखे। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इस तरह से आप दूसरी आईब्रो को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी, फ़िलहाल तो मैं HP पेंसिल से बना रहा हूँ। इसमें आप इस तरह से आप आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं, हल्का डार्क रहना चाहिए ताकि आईब्रो बाद में दिखे। तो पिछले वीडियो में मैंने मनोज तिवारी की स्केच बताया था, तो उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़ तो बेहद ही क्लियरिटी इसमें आ सकती है, अच्छे ढंग से आप बना सकते हैं इसमें। फिर आप आँख को बनाएंगे, ड्रा करेंगे, इस तरह से आँख बना लेंगे। और वीडियो को चूँकि सीखनी है तो पूरी देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। तो पूरी तरह से वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और तब समझ में आएगा कि ये शेडिंग भी एक प्रकार का, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे शेडिंग आप नहीं मार सकते हैं। तो इस तरह से हल्के हल्के शेडिंग बनाएं, इसकी लेंस जो है, लेंस का भाग आप हल्का सा डार्क करके, इसमें थोड़ी सी चमक होनी चाहिए, इसके लिए हम स्पेस छोड़ते हैं। और इस तरह से नीली नीली तो इसमें हो नहीं सकती। अगर वैसा है तो हम अगले वीडियो में हम कलर करने के लिए भी बताएंगे किस तरह से आप कलरफुल स्केच आपका आसानी से बना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह देखिए ताकि समझ में अच्छे से आए।